हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, सो सॉरी फॉर दैट। आप लोग कोई कोई मेरे वीडियो पसंद भी करते हो, लाइक भी करते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट बीच में मेरे फ़ोन, मुझे एक्सीडेंट हो गया था बीच में, तो मैं नहीं बना पाया वीडियो बिकॉज फ़ोन भी टूट गया था। तो बेटर हूँ अभी, थैंक यू फॉर दैट, गॉड ग्रेस। और अभी आया हूँ छत पे कुछ वीडियो बनाने के लिए, मैं आप लोगों को दिखाऊँ कुछ कुछ ओवरग्रो जो होते हैं बरसात के टाइम पे। और देखिए इतना सुंदर फ्लावर खिला हुआ है। तो मैंने कुछ दिन पहले कुछ कुछ काम किया था, आप लोगों को दिखा नहीं पाया था बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी भी था और काम नहीं कर पा रहा था और छत पे आ नहीं पा रहा था। इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो गए एक्चुअली, तो इस नेक्स्ट मंथ फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। और बाकी सारे फ्लावर खिल रहे हैं बट मैं टाइमली आ नहीं पाता हूँ तो ऐसे रह जाते हैं ना, तो मैं इसको वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ कुछ दिन से। तुलसी के प्लांट बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो हुआ है, बहुत अच्छा लगा देख के। और तुलसी के प्लांट अगर आपके ग्रो हो रहे हैं, अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं और सब कुछ सही जा रहा है, तो ये जो मंजरी आते हैं ना, इसको आप कट ऑफ कर लीजिए। इसको इसमें से बीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर पौधे में ग्रोथ कम हो जाते हैं। तो बेस्ट थिंग दैट कि इसको रिमूव कर दीजिए, बहुत अच्छा ग्रोथ होते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊं जो मेरे पोर्चुला के पौधा है नॉबुजियम, उसमें फ्लावर कितना सुंदर आ रहा है। और मैं आप लोग को और एक चीज़ दिखाऊँ, ये मेरे टर्टल वाइन है, एक में ब्रांच लेके आया था और आज इतना घना सा निकला है। और इसके जड़ देखिए कैसे बाहर निकल रहे हैं, मतलब कहीं और लगा दो तो मैं और कहीं लग जाऊंगा, तो ही सेइंग दैट। और ये वाला फ्लावर जो मेरे पास रेयर है, इसको मैंने लगाना भूल गया, इसमें येलो और पिंक दिखा रहे हैं। और मैं आप लोग को दिखाऊं, ये डबल वाला है पेटल, डबल प्लट पेटल की जो रात के रानी होते हैं वो हैं, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। पान की बहुत अच्छा ग्रो हो रहे हैं, बरसात के टाइम में ग्रो होते हैं फिर गर्मी के टाइम पे ख़राब हो जाते हैं पौधा। एंड जितना भी ट्राई किया था वो उतना ही ख़राब हो गया। व्हाट एवर इट इज़, मैं आप लोग को और एक चीज़ दिखाऊँ, मेरे जो वो हैं लोटस पॉन्ट है वो अच्छा ग्रो हो रहा है। कल मैंने इसमें एक दो तीन ट्यूबर निकाल के इसमें लगाए हैं, लेट्स सी इसको आगे क्या करना है। इसमें ना एक्चुअली बहुत बड़ा सा लंबा सा निकला था, तो मैं पानी में जा नहीं रहा था, इसमें पानी में मैंने बहुत कोशिश किया था, जा नहीं रहा था। और मैंने इसको पानी भी तो अच्छा चेंज किया था, इसमें अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। इसमें अभी तक कोई फ्लावर नहीं आया है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और मेरा हिबिस्कस में एक रेड फ्लावर निकला हुआ, बहुत सुंदर देखने में। और एक करेला की मैंने पौधा लगाया था, बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, अच्छा लगा देख के कि चलो करेला हुआ है। एक जो निकला हुआ है वो है पालक। सो आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू सो मच।